पाकिस्तान काटन जनरल्स प्रोग्रेसिव ग्रुप पीसीजी की जानिब से शहदादपुर की अल हुसैनिया काटन फैक्ट्री में इलेक्शन के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी चेयरमैन के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार मेमन पीटीआई के एमएनए रमेश कुमार प्रेमचंद कोहिस्तानी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सदर गोपाल दास साबिका सदर चेयरमैन पाकिस्तान काटन जनरल्स एसोसिएशन चनानंद मियाँ मोहम्मद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जानिब से ज़राअत पर तवज्जो न देने की वजह से ज़राअत तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से मुल्क की सनअतें भी तबाह हो रही हैं। पाकिस्तान में एक साजिश के तहत कपास की पैदावार को तबाह किया जा रहा है। हुकूमत ने नकली बीज, नकली दवाएं और नकली यूरिया को रोकने के इकदाम न किए तो मुल्क मैशियत तबाह हो जाएगी। पहले मुल्क से 1,40,00,000 गांठें दरामद की जाती थी, अब इनकी तादाद गिरकर सिर्फ 75,00,000 रह गई है। पहले हम एक एकड़ जमीन से 45 मन से 60 मन तक हासिल करते थे, अब सिर्फ 8 से 10 मन हासिल करते हैं, जिससे आबादकारों के अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अगर हुकूमत ने इस अहम मसले पर फौरी तवज्जो न दी तो कुट्टी की पैदावार खत्म हो जाएगी। हमारी जो जिनिंग इंडस्ट्री, जिसकी क्रॉप जो है वो 1,40,00,000 और 50,00,000 के लगभग थी, आज वो श्रिंक होके 70,00,000 पे आ गई है। वो हमारी जो हुकूमतें हैं, जो पिछली हुकूमतें हैं, जो अब अभी जो हुकूमत है, उनकी बिल्कुल इसमें नेगलिजेंसी है। मगर इस जुर्म के में जो हम भी बराबर के शरीक हैं, हमने भी कभी भी इसको सीरियस नहीं लिया। हम अपनी फैक्ट्रियों पे फैक्ट्रियां लगाते गए, मगर आज तक हमने ये नहीं सोचा कि भाई ये जो डिक्लाइन आ रहा है इसकी वजह क्या है, और वो जो बेसिक इश्यूज थे उस पर हमने कभी भी बात नहीं की। सीड की जो थी, और वो जो अपना पेस्टिसाइड थी, जो 2 नंबर की पेस्टिसाइड, और सीड पे जो कभी किसी ने कोई कंसीडर ही नहीं किया। हमारी जो फूड एंड सिक्योरिटी की जो मिनिस्ट्री है, उसने भी कभी भी इस चीज़ पे कोई मतलब सीरियस नहीं लिया। हम इस रुई से मोहब्बत करते हैं, इससे प्यार करते हैं। इस रुई की, इस पुट्टी के ऊपर आज तक हमने पैर नहीं रखा अपना। इससे हमारी मोहब्बत है। इसे 6,000 साल पहले अल्लाह ताला ने जंगल में पौधा पैदा किया। 6,000 साल की हिस्ट्री है इसकी। बच्चा पैदा होता है, वहाँ से रुई ज़रूरत पड़ती है और मरने तक इसकी ज़रूरत है। आज मैं इसको महसूस कर रहा हूँ कि ये हमसे जुदा हो रही है। हम इसे जुदा नहीं होने देंगे, इसे बढ़ाएंगे। आप 1.5 करोड़ की बात करते हैं, मैं पाकिस्तान में इंशाल्लाह अगर इसी तरह रहा तो 3 करोड़ बेल दूंगा आपको। गवर्नमेंट से ज़रूर कहूंगा कि हमें प्राइवेट सेक्टर में सीड ले आने की इजाज़त दे दे, हम खुद कर लेंगे, अपने जेब के पैसे लगा देंगे, हमने कमाए इससे इसी में दे देंगे पैसे। मैं सिंध में पैदा हुआ हूँ, सिंध में मरूंगा और आप लोगों के साथ जीऊँगा और मरूंगा, और इंशाल्लाह ताला हम आपको काम करके दिखा देंगे कि कैसे रुई पैदा होती है। मैं 22 आदमी हूँ पाकिस्तान में जिसने ऑर्गेनिक कॉटन फंडिंग करा के 35,000 एकड़ पे बलूचिस्तान में लगवाई, और मैं पहला प्रोड्यूसर हूँ ऑर्गेनिक का जिसने ऑर्गेनिक की 10,000 बेल पहले साल निकाल दी, और इस साल इंशाल्लाह ऑर्गेनिक की 40,000 बेल निकलेगी। आपका इलाका सांगढ़ भी आपका इलाका, खैरपुर भी आपका इलाका, चुनको भी आपका इलाका, ये आप इस इलाके में खुशहाली चाहती हैं या इस इलाके को आप और जो खराब करना चाहते हैं? जी, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे ये सारे लोग खुशहाल हो जाएं। तकरीब में सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के काटन फैक्ट्रीज के मालिकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सैयद उस्मान अली, वतन न्यूज़, शहदादपुर।